नहीं। आज जैसे इलाके बीजेपी की साथ तो नहीं है ना, जो पड़ा साफ कर देंगे, साफ कर देंगे। आशीर्वाद एक पुरुषोत्तम रूपये नाम के व्यक्ति ने आपके बैंक बेटियों का जाता रिश्ता में से जुटा मुगलों से जुड़ा और बोला कि जब कदम में पड़े रहते थे क्षत्रिय एक चिंगारी वहां होगी और पूरे देश में इतनी बड़ी ज्वाला का रूप लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। आप और मैं और इस पूरे देश के युवा राजपूतों ने तो जवाब पूरे देश में दिया। इनको इसकी उम्मीद नहीं थी, इनको लगता था कि राजपूत जरी पत्ती बिछाते आए 70 साल से और बिछाता रहेगा। खेतल में जाओ, राजपूत समाज के युवाओं पर जो लाठी लगी उसको भूल मत जाना, गुजरात में जो रूपाला ने बोला उसको भूल मत जाना, हमारे माना प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान अंगपाल तोमर मीर बोझ प्रतिहार कितने कितने महापुरुषों की जाति बदल दी और फिर भी मेरे कई सारे मेरे राजपूत समाज के युवा हर दिन मुझे नीकी देते देख करके कांग्रेस को मिल गया के क्यों बीजेपी तेरी काको लगे बाबू लगे तेरी बीजेपी कहीं दे दिया बीजेपी तुमने। अरे क्या दे दिया तेरे तूने बीजेपी तेरे को बीजेपी ने ये रथ भाइनों को माँ बहनों को गाली डेली अभी 1.25 महीना हो गया घूमते हुए और कहीं छोड़ा नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा चार चरण में और घूमा जो बोलते थे ना मोदी जी अब की बार चार दो बार बोलते थे ना अपनी बोलते अपने क्या बोलना अब की बार पार्लियामेंट की बार अब की बार चार दो पार का नारा तो कब का उतर गया वो नारा तो वो क्या बोलते हो पजामा ढीला हो गया नारा कभी भी पजामा नीचे गिर सकता है। वो मित्रों मित्रों करके वो बोल रहे कब कई 10 साल से बोल मित्रों अरे मित्रों मित्रों करके पितरों के पास तो भेज दिया तुम लोगों ने कहा भेजोगे मेरे भाइयों। वो एक दादा था मम्मी वार रोकती मोदी जी ने अरे मम्मी ये जेल का इंजेक्शन लगा दिया मोदी जी ने उस पर भी कुछ बोल दो अरे उस पर तो बताओ कई सारे बोल रहे वैक्सीन पे राजनीति मत करना तो दो तू और तेरे लगवा ले तेरे काका बाबा के भी लगवा दे और मोदी जी को बोल अगर वैक्सीन में दिक्कत नहीं है मोदी जी वापस अपने सबके सामने वैक्सीन लगवाए खुद के और फिर लगवाए अमित शाह के और फिर लगवाए पूरी मंडली के क्यों नहीं लगवा रहे। हंसते खेलते कई सारे लोग चले गए 1 लाख में से एक जाएगा 1 लाख में से एक तो जाएगा। आप कैलकुलेशन क्या है भारतीय अपने बहुत कमजोर है 1 लाख में से एक जाएगा 10 लाख में से 10 1 करोड़ में से 100 करोड़ में से 1000 तो 235 करोड़ जनसंख्या है 13,500 लोगों को तो तुमने पहले दिन मार दिया उनके घर वालों को कौन जवाब देगा ये बताओ मुझे तो गणित लगाओ थोड़ा सा इनको 13-15 हजार तो समझ में ही आता। भैया मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ राजनीति में नहीं बोलूंगा पर केवल एक बात बोलना चाह रहा हूँ माना प्रताप की जयंती है ये 250 करोड़ के भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाए थे याद है नहीं है अरे याद है नहीं बोलो सिर्फ याद है क्या किससे लिए थे 250 करोड़ आपको मालूम है। आप लोग हर दिन बोलते हैं ना भारत माता की जय राष्ट्र माता कैसी हो गौ माता जैसी हो वो गौ माता को काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए लिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको लिए नहीं लिए 250 करोड़ का मतलब समझते हो कितनी गाय है 25-30 हजार की एक गाय आती है देसी गाय फ्री में भी नहीं लेते बेचारे आजकल ऐसी उसकी हालत हो रही है फिर भी 25-30 हजार की आती है दूध वाली आती है नहीं आती है अरे बोलो से आती है नहीं आती है आती है 1 लाख की 4 गाय 10 लाख की 40 गाय 1 करोड़ की 400 गाय 250 करोड़ की सीधी सीधी 1 लाख गाय 1 लाख गायों के हत्यारे राजपूत को पूछते हैं राष्ट्रवाद क्या है अरे साले हरामियों तुम्हारा पहले गिरिबान देखो ये राष्ट्रवाद ये नहीं है राष्ट्रवाद हमने हमारे पास
बापदादाओं ने, चाहे रामदेव जी हो, चाहे तेजा जी, चाहे हरबू जी हो, चाहे पापू जी, हमने सर कटाए इस गौ माता के लिए। फेलों में से उठ उठ के गए, हम वो लोग हैं। तुम हमें बता रहे हो राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्र धर्म क्या, तुम हमें बता रहे हो। मुझे दो पांच जगह पकड़ा मैंने, गुजरात में पकड़ा, मना किया, अरे मत पकड़ो रहे, अरे जबरदस्ती मत पकड़ो, हम हमारी बात कर रहे हैं। अभी आचार संहिता लगी है, प्रशासन को ये हिम्मत नहीं है, प्रशासन को पावर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन करे। नहीं माने मन का, मुझे पिछली बार 2018 में पकड़ा था, राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ की तीन स्टेट की सरकार चली गई थी, तुम पकड़ोगे दिल्ली की सरकार चली जाएगी, और वो हालत हो गई इनकी, वो पाए हिल गए इनके। मैं सही बता रहा हूँ, आपके राजपूत समाज के युवाओं ने जो जज्बा पूरे गुजरात में दिखाया, 26 में से 12 सीट जाएगी, आज लिख लो 10 से 12 सीटों पे राजपूत समाज ने अपनी इनकी औकात दिखा दी कि हम कौन, हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है। गुजरात में इन्होंने अपने राजपूत समाज में जो कभी नहीं उठता है, बहुत शांत विचार के व्यक्ति है वहां के राजपूत समाज के व्यक्ति, पर पांच बहन बेटी बुराई, जब पांच हमारी इज्जत पाई, हमारी आबरू पे आई, आज से 6 महीने पहले यहाँ भी हुआ था इतिहास के मामले में, एक था आदमी था, हमने यही तो बोला था, मीर बोझ पुटिया हमारा बाप दादा है, गलत बोला था, अरे गलत बोला था क्या, अरे यही तो मांग रखी थी कि पृथ्वीराज चौहान की संतान है, गलत है क्या, महाराणा प्रताप के हम संतान है, गलत है क्या। फिर ये जहां कोई किसी समुदाय में पैदा ऐसे कोई ऐतिहासिक पात्र इनके इनकी जाति में है नहीं, वो तो बंद है, और जिनकी जाति में उनको हदायत है, कल को मोदी जी बोल देंगे ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पीछे कंधे पे जो बच्चा था वो नहीं था, मान लोगे, मोदी जी तो बोल देंगे, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बिहार में पैदा होने वाले हैं, बंगाल में हो सकते हैं, तो उनको तो साथ भी नहीं का मालूम है भाई, कल को बोल रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पीठ के पीछे जो बच्चा था वो मैं था, तो ये जनता मान लेगी, क्योंकि इतनी मूर्ख जनता है, मानते हो नहीं मानते, मानते हो। अब वो बच्चा हमें मालूम है कौन है भाई, तू नहीं, अब ये पागल बनाना बंद करो। और मैं मंच के माध्यम से एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारे है ना, जो राजपूत समाज का है, राजपूत समाज के साथ कौन कौन है एक बार हाथ खड़ा कर दो, समाज के साथ जो बीजेपी के साथ तो नहीं है ना, नहीं आज ऐसे इलाके बीजेपी के साथ तो नहीं है ना, पक्का नहीं है। मैं मंच पे मेरे बड़े भाई बैठे, खूब सारे लोग बैठे, मैं मंच पे भी दो पांच नेता बीजेपी से मैं बोलना चाहूंगा, चाहे गलत लग जाए आज सबको, सूरज बाजी अम्मू हमारे बड़े भाई है, और बीजेपी या तय करो बीजेपी में रहोगे या समाज में, आज यही तय करके जाओ, ये जबरदस्ती की बात करते हो आप। ये बार बार जो समाचार जो चैनलों पे आके कर्णी सैनिक बनते हो और पार्टी में जाके बीजेपी बनते हो, एक समाज अब स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा ही नहीं करेगा, नहीं। आज ही तय करो सूरज पाल जी, समाज चाहिए या बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए तो उठ के जाओ, और समाज चाहिए तो बीजेपी उठ के आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सूरज पाल जी सही बात कर रहे हो, निकल रहा हूँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो, निकल रहा हूँ ऐसे ही नेताओं को आपको पकड़ना पड़ेगा, मुझे मालूम है, चाहे गलत हजार गलत लग जाए। हमारी एक और मैं एक 5 मिनट का समय और लूंगा, फिर सूरज पाल जी को दूंगा। मैं हर जगह पूरे देश में मैंने शपथ दिलाई है, मैं संगठन समिति से अनुमति देना चाहता हूँ, क्या यहाँ भी शपथ दिलवा सकता हूँ राजपूत लोगों को, दिलवा सकता हूँ, तो फिर सब हाथ ऊपर करोगे, सब हाथ ऊपर करोगे एक बार, जिस किसी का भी हाथ नीचे वो समाज का नहीं है, ध्यान रखना। आज हम हरियाणा के राजपूत, यहाँ अंबाला में ये माँ भगवती की शपथ लेते हैं, अब की बार
भारतीय जनता पार्टी को इस हरियाणा की धरती से जो बड़ा साफ कर देंगे साफ कर देंगे। हमारे साथ जितनी भी जातियां है, हमारे साथ जितनी भी जातियां है, उन सबको भी इसके खिलाफ वोट देने के लिए मनाएंगे। और अब की बात 4 जून को यहाँ